मैम आपकी मेजबान सैयदा आमना निसार और हाजिर हुई हूँ आज एक नए गेस्ट के साथ जिनका नाम है इकबाल जवानी। आइए आज हम उनसे मिलते हैं। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि ये जो हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ये हम रिहान फाउंडेशन के थ्रू करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो आइए देर नहीं करते ज्यादा, हम सर से मिलते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी इंतहाई मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकाला। मैं आपकी इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया अपने कीमती लम्हात में से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले आपके बारे में। जी हेलो, जी 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 काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले आपके बारे में जान सकें। जी मेरा नाम इकबाल साहिवानी है और मैं इससे पहले भी दो बार अपियर हो चुका हूं आपके साथ। रेहान फाउंडेशन के लिए जो अलीना मुनीर और संजय कुमार ने इंटरव्यू किए थे, और अब आपको भी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बिकॉज यू आर डूइंग वेल, और मैं नौजवानों को इनक्रेज करने के लिए गुज़िश्ता कई साल से काम कर रहा हूं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपने मुझे जब कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो जस्ट टू इनक्रेज योर एफर्ट्स मैंने बिल्कुल आपको वक्त दिया। और इंशाल्लाह आइंदा भी कभी ऐसा मौका हुआ जो भी, इसलिए कि पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है और हमें नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए, उनको फ्लोरिश करने के लिए, फ़रोग देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मैंने तो पूरी ज़िंदगी जो है इस बात की कोशिश की है कि नौजवानों को जो है इनक्रेज किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है उनको सामने लाया जाए। तो मेरा ताल्लुक सहाफत के शोबे से है, मीडिया से मेरा ताल्लुक है। होम टीवी का जैसा आप बैकग्राउंड देख रही हैं पीछे, ये एक वेब चैनल है और माशाल्लाह बहुत मकबूल है। और हमने इस चैनल में भी इस बात की कोशिश की है कि इसे यूट्यूब चैनल्स की तरह जो है सिर्फ मनी मेकिंग का जरिया नहीं बनाया जाए और इसमें उल्टी सीधी ऊट पटांग किस्म की चीजें अपलोड करने के बजाय हमने प्रोडक्टिव चीजें, ऐसी चीजें जो हमारे नौजवानों की, जो हमारी तारीख की, जो हमारे कल्चर की, जो हमारे जो ये अखलाकी अकदार का जो सिनेरियो है उसको पेश नजर रखा जाए। तो इसमें जो तमाम चीजें हमने डाली हैं, जिस तरह के शोज हम करते हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं, उसका भी पेश नजर यही होता है कि वी वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, वी वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तानी पीपल्स, स्पेशली फॉर द यूथ। तो मैंने गुफ्तगू का आगाज किया है, आप बताइए मुझे आपने क्या पूछना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह ग्रेट सर, आपका इंट्रोडक्शन सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यूथ के लिए इतना अच्छा सोचते हैं और उनके लिए इतने अच्छे अच्छे इकदाम उठा रहे हैं। सर आपने बताया कि आपका होम टीवी से ताल्लुक है, आप यहाँ सहाफत के शोबे से आपका ताल्लुक है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन करूंगी कि आखिर असल में सहाफत है क्या? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई। मतलब अक्सर मैंने सहाफियों को देखा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सहाफत किसको कहते हैं, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, सहाफत जो है वो है नामालूम से मालूम की तरफ रसाई का नाम। बिल्कुल जो चीज आपके इल्म में आए, इंफॉर्मेशन जो है, दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ जर्नलिज्म। हम बिलीव करते हैं उसमें कि हम जो चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के इल्म में ला सकते हैं, खबर जो है वो बेसिकली क्या है, मतलब वो चीज जो आपके इल्म में है और लोगों के इल्म में नहीं है उसे आप लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज
न्यूज, तो न्यूज जो है वो बेसिक चीज है सहाफत की। फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं और मुख्तलिफ जो उसकी ब्रांचेज हैं वो एक अलग है कि एडिटोरियल क्या है और एक्सक्लूसिव क्या है और कॉलमिस्ट कॉलम जो है लिखना वो क्या है। लेकिन जो बेसिक सहाफत का जो बुनियादी जो रोल है या बुनियादी जो उसका जुज है वो है खबर। और खबर क्या है? खबर नामालूम से मालूम की तरफ जाने का नाम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि आगे इसकी फिर फील्ड्स भी हैं फर्दर, तो आपने उसकी मुझे सहाफत की डेफिनेशन बताई। अब काइंडली आप मुझे उसकी फील्ड्स के बारे में भी बताइए, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मजीद इस बारे में जान सकें, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहे सहाफत को तो वो उसे करने में आसानी हो जाए। एक्चुअली सहाफत जो है वो तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि खबर ही का नाम है, लेकिन अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं और हर एक की एक अलग अलग जिम्मेदारी है उस शोबे में। मसलन मसलन एक अखबार है, उसमें एक एडिटर होता है, फिर उसके जी साथ सर, एक न्यूज एडिटर होता है, फिर न्यूज एडिटर के अंडर में सब एडिटर्स होते हैं, फिर बिल्कुल सब सर, एडिटर्स और न्यूज डेस्क के साथ जो है रिपोर्टर्स की एक इंटरेक्शन होती है, जो विद इन दी स्टेशन काम कर रहे होते हैं वो रिपोर्टर्स कहलाते हैं, और जो आउट ऑफ दी स्टेशन काम कर रहे होते हैं उनको हम करस्पॉन्डेंट या नामा निगार कहते हैं या नुमाइंदा कहते हैं या ब्यूरो। अगर एक से जायद नुमाइंदे एक ही शहर में काम कर रहे हो तो वो एक ब्यूरो ऑफिस बन जाता है और उसके उसका एक ब्यूरो चीफ होता है। तो फिर उसके बाद अखबार के साथ साथ उसमें एडिटोरियल एडिटोरियल लिखना जो है वो एडिटर की जिम्मेदारी है, या कोई एक एडिटोरियल बोर्ड तश्कील पा जाता है वो लोग जो है वो एडिटोरियल लिखते हैं, और ओवरऑल जो है उन सब चीजों पर निगाह जो है वो एडिटर की होती है, और एडिटर जो है वो एक निहायत जीरक और बहुत मंझा हुआ और बहुत तजर्बाकार और बड़ा जो कहना चाहिए हालात हाजरा से लेकर मुल्की और गैर मुल्की उमूर पर दस्तरस रखने वाला एक ऐसा शख्स होता है कि जिसे हर चीज के बारे में कमोबेश आगही भी होती है और उसका एक नुक्ता नजर भी होता है कि जो चीज उसके अखबार या उसके मैगजीन या उसके पेरोडिकल में जा रही है उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा जो मनफी माशरे में किरदार अदा कर सकता है या जिससे जो है कोई अनरेस्ट फैल सकता है। तो वो इन चीजों को अपनी बालिग नजरी से देखता है कि इंफॉर्मेशन का ही सोर्स जो है वो काम करे। फिर उसके बाद जो कॉलम है वो कॉलम जो है वो और एडिटोरियल जो है वो एक नुमाए आपके उस इदारे की उस अखबार की पॉलिसी को डिफाइन करता है। तो इसके जो शोबे हैं वो इस तरह से हैं कि रिपोर्टिंग का एक शोबा है, एक एडिटोरियल पेज का एक शोभा है, फिर उसके साथ मैगजीन आ जाता है। मैगजीन में आप जो है दुनिया की मालूमात, दुनिया के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, पॉलिटिकल व्यूज जो होते हैं, जो आपके टॉपिक्स होते हैं मुख्तलिफ, साइंस का जो टॉपिक होता है या जो भी है वो सब के सब जो है वो आते हैं उसकी एडिटोरियल बिल्कुल पेज की कैपेसिटी में। तो बहरहाल इसका जो हायरार्की जो है वो उसकी यही है। इससे सहाफत में जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा पहले खुद अखबार पढ़ने की जरूरत है, मुतालिया करने की जरूरत है और खबरों पे नजर रखने की जरूरत है, और क्या पाकिस्तान में या दुनिया में हो रहा है उस पर उनकी एक जो है स्टडी अगर है तो वो एक कामयाब सहाफी बनने की तरफ जा सकते हैं। और सहाफत जो है वो बेसिकली एक मिशन है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ मनी मेकिंग। ये एक पेशन होता है, यस ये सर, एक जुनून होता है, ये एक इश्क होता है, ये एक ऐसी यानी कहना चाहिए बेनियाजी वाली जॉब होती है, एक ऐसा उसमें
कि जिसमें सिर्फ वो जुस्तुजू जुस्तुजू का जो ये प्रोफेशन जो ये जुस्तुजू का प्रोफेशन है, बिल्कुल सर। लोगों को आगही देने का प्रोफेशन है। इसको जरा सा और अगर एलिब्रेट करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें लोग जो है वो जान हथेली पर रख कर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, ऐसे ही आपने बहुत अच्छे इसको डिफाइन किया और बहुत अच्छे डिटेल में जाके मुझे समझाया। सर यहाँ पे ऑडियंस का एक क्वेश्चन है आपके लिए, कोई तहसीन अली नकवी है, कि सहाफी बनने के लिए जी एजुकेशन और क्या-क्या सलाहियत होनी चाहिए एक बंदे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब सहाफत वो शोभा हो गया है कि जिसमें बाकायदा जो है वो तालीम दी जाती है। पहले हम उसको जर्नलिज्म कहते थे और यूनिवर्सिटीज में जो है वो एमए जर्नलिज्म हुआ करता था। फिर यस जो जो तालीम की शक्लें जो हैं वो यानी मॉडर्नाइज होती गई, तो अब उसको एक मास कम्युनिकेशन का शोभा कहा जाने लग गया। और मास कम्युनिकेशन के शोबे में एक जाहिर है कि सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, अप्रेंटिसशिप भी होती है, कुछ प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो भी डिग्री से पहले जो है वो कराई जाती है। तो जी सर, एक तो यह है कि अब जो लोग सहाफी बनना चाहते हैं उनके लिए तमाम मीडिया हाउसेज और तमाम बड़े इदारे जो हैं अब वो ये चीज चाहते हैं कि जो आदमी या जो बंदा वो हायर करें उस बंदे के पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो तमाम बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं वो उन लोगों को प्रीफर करते हैं जिनके पास मास कम्युनिकेशन की कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट होता है उसको तरजीह दी जाती है, उसको प्रीफर किया जाता है। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अब अदारों की। लेकिन सहाफी होने के लिए जो मेन चीज है वो आपका एप्टीट्यूड है। अगर आपका एप्टीट्यूड है सहाफत की तरफ तो आप सहाफी बन सकते हैं, वरना मास कम्युनिकेशन करने वाले बेशुमार लोग जो हैं वो अब मुख्तलिफ अदारों में पीआरओ के तौर पर भी काम करते हैं और वो एक इन हाउस स्पोक्समैन का काम करते हैं। लेकिन बेसिक जो जर्नलिस्ट है, जो बेसिक आपका सहाफत से जो मुंसलिक आदमी है वो एक इम्पार्शियल रोल प्ले करता है और उसका मेन जो काम है वो लोगों को आगही देना, उनको इंफॉर्मेशन शेयर करने का है। तो एक सहाफत के शोबे में जो मेन चीज है वो आपका एप्टीट्यूड और फिर उसके साथ साथ आप में एक करेज होने की बहुत जरूरत होती है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उसमें समटाइम आप जो है अपनी जो यानी लाइफ जो है वो भी स्टेक पर आपकी आ जाती है कि जब आप कोई खबर ब्रेक करते हैं, कोई बड़ी स्टोरी लेकर आते हैं, कोई स्कैंडल सामने लेकर आते हैं तो आपके लिए जो है कुछ कंसिक्वेंसेस भी सामने आ जाते हैं। और गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में सहाफत और सहाफियों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा है और उन्हें जी अपने किए की सच की सच बोलने की या कोई स्कैंडल और स्टोरीज सामने लाने की कीमत इस तरह से चुकानी पड़ी है कि अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। तो ये शोभा मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह से सरहद पर सिपाही जो है वो पहरा दे रहा होता है और हर वक्त जो है उसकी जान जो है वो हथेली पर होती है और जान एक खतरे से दो चार होती है, सेम एज इट इज जो है सहाफत भी एक ऐसा ही महाज है
जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो एक सिपाही के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं, और उनकी जिंदगी और उनकी जो जाने हैं वो भी एक तरह से हर वक्त खतरात से दो चार होती हैं, और उनके लिए भी उतनी ही मुश्किलात होती हैं जितनी एक सिपाही के लिए, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कारकुन के लिए होती है। तो सहाफत भी इसी तरह का एक पुरखतरवादी वाला शोभा है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। काफी इसमें खतरा होता है, और इंसान वैसे भी आज हम सहाफत में हो या ना हो, जो भी इंसान सच बोलता है तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। पता नहीं क्यों ये इतना बड़ा आदमी है हमारी सोसाइटी में। अच्छा सर, लेकिन कुछ सहाफी फिर ऐसे भी तो है ना जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और बहुत गलत किस्म की खबरें फैलाते हैं। सॉरी टू से, मतलब आप भी ये चीज जानते होंगे कि कुछ सहाफी ऐसे हैं, तो फिर जी उनको बिल्कुल, वो ऐसा कर, वो कोई क्यों नहीं रोकता? जी, आप ऐसा बोलिए। है कि जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि सहाफत इंफॉर्मेशन का नाम है, तो जहां इंफॉर्मेशन होती है वहां डिसइंफॉर्मेशन भी होती है। जहां आप लोगों जी को बाखबर रखते हैं वहां आप लोगों को गुमराह करने का काम भी करते हैं, और इस डिसइंफॉर्मेशन को भी एक शोबे का ही दर्जा हासिल हो गया है। मॉडर्न जो मीडिया प्रोफेशन है उसमें, इसलिए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहाफी, बहुत सारे बल्कि खास तौर पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया है, तो उसके बाद से राय आमा बनाने के लिए लोग जो हैं वो बड़ी कीमत पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनमें मुख्तलिफ अदारे भी हैं, उनमें हुकूमतें भी हैं। हुकूमतें भी अपनी गलतियां और चोरियां छुपाने के लिए अपने स्पोक्समैन सहाफियों में तलाश करती हैं, जो उनके उनकी गलतियों को डिफेंड करने के लिए दलीलें देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप स्टूडेंट शिप के दौरान अगर आपने डिबेट्स में हिस्सा लिया हो, तो आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट जो है वो दिया जाता है, और उस पर उसकी मुखालफत और मुआफकत दोनों में बातचीत होती है। तो जो उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं वो भी यस इतने मुदलिल और इतने जो है भरपूर दलाइल के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि लगता है कि यही सच है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके हक में गुफ्तगू कर रहे हैं सब्जेक्ट के, उनके गुफ्तगू सुने तो लगता है कि सब्जेक्ट में जो अच्छाइयां हैं वो यही है। तो इसी तरह से सहाफी के पास, चूंकि दोनों सहाफी एक बासलाहियत आदमी होता है, वो एक कॉमन आदमी से ज्यादा उसकी जो है कह लीजिए कि उसकी नॉलेज, उसका उसकी स्टडी और उसकी खुदादाद सलाहियत जो है वो एक आम आदमी से ज्यादा होती है। और जब उसकी सलाहियत और उसका जो हुनर है वो उसके पास बोलने का हुनर, लिखने का हुनर एक इजाफी होता है आम आदमी के मुकाबले में, तो वो किसी सच को झूठ साबित करने की कुदरत भी उसके पास होती है, और सच को झूठ बनाने की कुदरत भी उसको उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर हासिल होती है। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि सहाफत अब जिस दौर में दाखिल हो गई है या जिस तरह से सहाफत की जा रही है, उसमें सहाफत मिशन नहीं रहा। अब सहाफत जो है एक तिजारत है, एक इंडस्ट्री है, एक सनत के तौर पे काम करती है। अच्छा, जब भी आप किसी इंडस्ट्री का तस्वीर लेकर आएंगे, जब आप मिशन की बात करेंगे, तो मिशन जो है वो फवाइद से जरा मावरा होता है। उसमें फवाइद की तरफ जो देखा जाता है तो वो ये देखा जाता है कि इससे अवामुन नास को, इससे मुल्को कौम को, इसको इससे माशरे को, इससे दुनिया को क्या फायदा पहुंचेगा। वो उसके नजदीक वो प्रॉफिट्स और वो बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जब आप
इंडस्ट्री के तौर पर कोई चीज स्टेब्लिश करते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का जो मेन बेनिफिट होता है वो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। उसके नतीजे में उसको कंज्यूमर चाहिए होता है, कंज्यूमर होगा तो प्रोडक्ट बिकेगी, और प्रोडक्ट बिकेगी तो उसका जो है फाइनेंशियल बेनिफिट आएगा, उसका फाइनेंशियल जो है रिटर्न आएगा। तो अब जो सहाफत आ गई है या अब जो मीडिया आ गया है वो एक इंडस्ट्री के तौर पे काम कर रहा है, और जब इंडस्ट्री के तौर पे आप कोई चीज बनाते हैं तो उसमें मेन चीज आपकी जो है वो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, और चूंकि उस पर इन्वेस्टमेंट भी इतना ही हो रहा होता है। अब किसी जमाने में 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक जो है वो एक सहाफी की कीमत की तनख्वाह होती थी, लेकिन अब आप देखें तो मीडिया में जो एंकर 1 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए आता है वो सिर्फ अपने फेस के और अपने स्टाइल के पैसे लेता है, उसका भी रिसर्च वर्क बिहाइंड द सीन कोई और बैठ के कर रहा होता है। सारा रिसर्च वर्क वो करके देते हैं जो आमिल सहाफी होते हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं वो सारा रिसर्च वर्क करके देते हैं, लेकिन वो शख्स जो बैठकर उसको प्रेजेंट कर रहा होता है वो अपने स्टाइल की और अपने फेस की और अपनी जो उसकी एक चर्ब जबानी होती है उसकी वो कीमत जी सर, वसूल करता है, और उसका मुआवजा जो है अब मिलियंस में है। लोग मिलियंस की तनख्वाह ले रहे होते हैं और 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जबकि एक आमिल सहाफी जो है, एक प्रोफेशनल सहाफी जो है वो 8 घंटे की मुलाजमत कर रहा होता है और उसको 20,000, 30,000, 25,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही होती। फिर दूसरी तरफ ये होता है कि आज अगर हम मौजूदा सिनेरियो में देखें, आज के सिनेरियो में देखें, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपको सुनने को मिलेगा, ये आपको अखबारात से, मीडिया से आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ऑफलोड हुए हुए हैं, कितने बड़ी तादाद में सहाफियों को जो है मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, और मीडिया हाउसेस से बड़ी तादाद में लोग जो है बेरोजगार किए गए हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो एज ए एंकर पर्सन या एज शो होस्ट जो आ रहे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है तो ये कि जो एक इविल जो आपका एलिमेंट है वो दोनों माशरे के हर तबके में मौजूद है। जब माशरे के हर तबके में वो इविल एलिमेंट मौजूद है तो आप उसको मीडिया से कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सर। जी सही, माशाल्लाह, ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा सर, जो आप जिस प्लेटफॉर्म से आप हमें मतलब आ रहे हैं, सहाफी एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं होम टीवी, तो इस पे मतलब न्यूज़ के अलावा और कौन कौन से शोज चल रहे हैं इस वक्त? ठीक है, असल में बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, यस, ये एक अवेयरनेस का एक इस तरह का प्रोजेक्ट कह लें इसको, कि हम जिन लोगों में टैलेंट है उनको इनकरेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मेरा अपना एक नॉलेज और एक्सपीरियंस और मेरी एक सोच है कि मेरा ये एक मिशन है कि जो कुछ हमें पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि आप उन ममालिक की तरफ देखें जहां आजादी नहीं है, जो आजाद नहीं है, अगर हम फिलिस्तीन की तरफ देखें, अगर हम बोस्निया की तरफ देखें, अगर हम और दूसरे ममालिक की तरफ देखें जो किसी ना किसी तरह से कॉलोनियल उसमें सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके बरक्स दिस इज जी सर, एन ऑनर फॉर अस दैट पाकिस्तान इज आवर कंट्री हुड गिवन अस ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर, नॉलेज एंड फ्रीडम। तो ये जो आजादी है, ये जो फ्रीडम है, ये जो इज्जत और वकार है, ये एक आजाद मुल्क के शहरी को ही हासिल होता है।
हमारी ये ख्वाहिश है कि हमने पाकिस्तान से ये सब कुछ लिया है, पाकिस्तान ने हमारी रहनुमाई की है, हमें एक एक कॉन्फिडेंस दिया है। मैं ये चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से, और मैंने ये कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म से वो चीजें सामने आए, उन चीजों को हम आगे लेकर आए जिनसे हमारी नई नस्ल आगे जाकर इस्तफादा करे, जिससे हमारी नई नस्ल को बेनिफिट हो, हमारी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड हो, हमारे जो अकदार है, हमारी जो वैल्यूज हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो और उनको आगे जाके कोई प्रमोशन मिले। हमारे आने वाले नस्ल के लोग जो हैं वो अब डिजिटल दौर से दाखिल होंगे, हम एक मैनुअल दौर से दाखिल हुए थे, हमने वो तमाम चीजें देखी हैं, हमने तख्ती पर लिखना भी सीखा है, हमने जो है फाउंटेन पेन से लिखना भी सीखा है जिसमें स्याही भरी जाती थी। लेकिन बिल्कुल अब जो बच्चा आ रहा है वो डायरेक्ट जो है वो बॉल पॉइंट और पॉइंटर लेकर आ रहा है, फिर उसके बिल्कुल बाद जो है हमने किताब से पढ़ा है, अब जो बच्चा आ रहा है वो डायरेक्ट डिजिटल नॉलेज के साथ आ रहा है, वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, वो मैनुअल स्टडी नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीजें जो हमने हासिल की हैं, ये हमारी अकदार है, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, इनको हमने आगे लेके जाना है। और उन उसके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो जिसमें हम डिजिटल टूल को इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो आज जिस तरह मैं और आप मुखातिब हैं, आप कहीं और बैठी हैं, मैं कहीं और बैठा हुआ हूं, लेकिन हम एक दूसरे से इस तरह मुखातिब हैं जैसे हम एक दूसरे से आमने सामने बैठे हैं। तो बिल्कुल सर, ये टूल जो है, ये जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, जिसको हम जो है सोशल मीडिया कहते हैं, ये टूल जो है यही हमारी इन अकदार को महफूज करेगा और महफूज कर रहा है। आज जो रिकॉर्ड आप इंटरव्यू कर रही है, ये अल्टीमेटली आने वाले दौर में महफूज रहेगा। जिस तरह हमारे पास 200 400 साल पुरानी किताबें, उनके नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन अब उसको लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं, उन किताबों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। क्यों कि अब मेडिसिन की कोई किताब अगर आपको दरकार है तो आप जाके फौरन गूगल सर्च कर लेते हैं और वो किताब आपको वहां दस्तियाब हो जाती है। आपको एलजेब्रा की कोई किताब मयसर है, आपको केमिस्ट्री की कोई किताब चाहिए, तो इसी तरह से जो हमारी अकदार है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे रस्म और रवाज हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं, जो हमारी खूबियां हैं, जो हमारे मुल्क के बारे में परसेप्शन है, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी आगे जाके इसी डिजिटल मीडिया के जरिए। तो बिल्कुल सर, इसलिए ये जो होम टीवी का जो मिशन है या होम टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, ये नए लोगों को इनकरेज करने के लिए, पुराने लोगों की इल्म और उनकी जो का जो तजर्बा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसको आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए, और मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज है, एक जो पॉजिटिव इमेज है, उसको दुनिया में ले जाने के लिए होम टीवी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके जो मेन उसका जो एस्पेक्ट है वो यही है कि इन सब के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, जो नई नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, उसको इनकरेज किया जाए, उसको लाइमलाइट में लाया जाए, उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनको अगर हम कोई गाइडेंस फ्राहम कर सकते हैं तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। हेलो, बिल्कुल सर, माशाल्लाह सर, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपने चैनल के थ्रू। हाँ, मतलब आप जो है
आप अपने चैनल के थ्रू काफी लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, और हमारी दुआ है कि ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए आपका चैनल और बहुत बड़ा एक सिस्टम बने, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया अपने कीमती लम्हात में से और हमारे लिए वक्त निकाला और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको अपने चैनल से लाइव लूंगी, इंशाल्लाह फिर से हम एक और सेशन रखेंगे और ज्यादा टाइम आपसे दरकार होगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर इन्फॉर्मेशन, और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच सर, जजाकुल्ला खैर। थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया, और इंशाल्लाह जब भी कभी आपने दावत दी तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूंगा, और मेरा यही लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान से प्यार करें, और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी तमाम पॉजिटिव सलाहियतों को इस्तेमाल करें। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू सर, इंशाल्लाह।